हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं रिव्यू करने वाली हूँ दोस्तों गुड वाइब्स के एक फेस वॉश का, जो कि ये है गुड वाइब्स टी ट्री जेंटल क्लींजिंग फेस वॉश। तो पहले डिटेलिंग देख लेते हैं हम इसकी, फिर मिलते हैं। ये है दोस्तों गुड वाइब्स का टी ट्री जेंटल क्लींजिंग फेस वॉश है दोस्तों। पैराबिन फ्री है, क्रुएल्टी फ्री है। 200 ml प्रोडक्ट आता है इसके अंदर और 250 का यानी कि 250 रुपये का आता है। 2 साल की सेल्फ लाइफ के साथ आता है दोस्तों। और बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स पड़े हुए हैं इसके अंदर, आप स्क्रीन शॉट लेके देख सकते हैं। जी हाँ, और देख लेते हैं क्या क्या क्लेम करता है और क्या क्या पड़ा हुआ है इसमें। तो यूज का देख लेते हैं हम। तो आप आंखों के आसपास इसको ना लगाएं, फेस को गीला करके इसे यूज करें, मसाज करें अपने फेस पर 1 मिनट तक, क्योंकि इसके अंदर टी ट्री है। तो ये आपके फेस से एक्स्ट्रा ऑयल को, डर्ट को, इम्प्योरिटी को दूर करता है, फेस को ऑयल फ्री बनाता है और ये आपके फेस को सॉफ्ट एंड स्मूथ बनाता है, ब्लैक हेड्स को रिमूव करता है और रेडिएंट लेके आता है आपके फेस पर दोस्तों। और देख सकते हैं आप, और ये ना पहले पॉलीथिन रैप पैकेजिंग में आता है दोस्तों। मैं हटा चुकी हूँ इसको यूज करते टाइम ये, और मैं आपको प्रोडक्ट दिखा देती हूँ कैसा निकलता है। तो आप देख सकते हैं ग्रीन कलर का प्रोडक्ट निकलता है दोस्तों। जी हाँ, और इसकी ना फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी है दोस्तों, टी ट्री जैसी है एकदम, क्योंकि ये एक ट्यूब पंप के साथ आता है तो इसको यूज करना भी आसान है दोस्तों। और अफोर्डेबल प्राइस में अच्छी खासी प्रोडक्ट क्वांटिटी मिलती है आपको, और मेरे हिसाब से तो ऑल स्किन टाइप के लोग इसको यूज कर सकते हैं। और क्योंकि इसमें से ना फ्रेग्रेंस भी इसकी एकदम टी ट्री जैसी आती है। और जहाँ तक बात करें इस प्रोडक्ट की, टी ट्री के जितने भी प्रोडक्ट रहते हैं वो ऑयली स्किन और एक्ने प्रोन स्किन वालों के लिए बेस्ट माने जाते हैं। तो ऑयली और एक्ने प्रोन स्किन वालों के लिए अच्छा है ये, लेकिन आपको थोड़े बहुत एक्ने आते हैं तो उस पर अच्छे से काम करेगा दोस्तों ये। अगर आपको बहुत ज़्यादा एक्ने हैं आपके फेस पे तो उस पे उतना अच्छा वर्क नहीं करेगा दोस्तों ये। तो आप वो देख के इसको यूज करें। और ये था मेरा आज का रिव्यू। अगर आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, और मैं मिलती हूँ आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय दोस्तों।